पूरा परिवार है। मामी, ये मेरी मामी का बेटा पुनीत, ये मेरी दादी, ये मेरी माँ, ये बुलबुल, ये जानकी अम्मा हमारे यहाँ काम करती है लेकिन मेरी माँ जैसी, ये पूर्वी जानकी की बेटी, वो हमसे नाराज है तो अभी दूर चली गई। और बताती हूँ मैं आपको, देखिए ये सब तो किसी को भी पता होता है लेकिन मुझे तो ये भी याद है कि हमारी शादी जिन्होंने कराई थी वो उन पंडित जी का नाम क्या है। पंडित देवधर त्रिवेदी। अरे वाह, यही था ना नाम दादी? हाँ हाँ। यही था। कोई नहीं, तू घबरा नहीं, सानू ना सब समझ में आ रहा है। इंसान की जुबान धोखा दे सकती है, आंखें नहीं, तेरे जो दिल के अंदर से आंसू बह रहे हैं ना, मुझे दिख रहे हैं, वो तेरी गवाही दे रही है कि तू कितनी सच्ची है, और इन लोगों की खामोशी ना गवाही दे रही है ये कितने मक्कार हैं। तू घबरा नहीं, हम तेरे साथ अन्याय नहीं होने देंगे, हम तेरा साथ देंगे, जो न्याय दिलाएंगे। और तो और, हमारी जब शादी हुई थी इतने बड़े रॉकस्टार हैं, मीडिया में हर पेपर में हमारी खबर आई थी, उसकी भी पेपर कटिंग मैंने संभाल के रखी है। एक मिनट, ये देखिए। माय गॉड तनु, ये तो इतने सारे सबूत यहाँ पर ले आई है, समझ नहीं आता इसे सब के बारे में पता कैसे चला। थोड़ा बहुत तो हमने इसे प्रक्रिया के बारे में बताया था लेकिन ये सब कुछ इसे किसने बताया? जिस किसी ने भी बताया हो, जैसे कैसे भी इसने पता कराया हो, लेकिन इसे रोकना होगा इससे पहले कि एक सच में प्रज्ञा बन जाए। आई नो, अब तो मुझे भी यकीन होने लगा है कि ये प्रज्ञा नहीं है, मुनि है, जो हमारी गेम हम भी खेल रही। हाँ तो मिस्टर अभी, अब आप बोलिए, इतने सबूत देखने के बाद भी आप कहेंगे कि ये आपकी वाइफ प्रज्ञा नहीं है? ठोंगी है, भैरूपिया है, चालबाज है, और ये जो सारे सबूत ये दिखा रही है ना, ये मेरे और प्रज्ञा की प्यार की निशानी है। प्रज्ञा की, मुन्नी की नहीं। और ये जो सब बकबक कर रही है ना, मेरी फैमिली, इसकी फैमिली, कुमकुम भाग्योल, मामा पामा, ये वो, ये सब इसलिए बोल रही है क्योंकि हमारे साथ इस घर में रह चुकी है। इतनी इंफॉर्मेशन तो इसे मिली जाएगी ना, कॉमन सेंस। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, इन सब चीजों से कुछ प्रूव नहीं होता है। ये डांस की ट्रॉफी, किस नंबर पे डांस किया, घर वालों का नाम, ये पंडित का नाम, आई मीन ऑल दिस डज नॉट हैव एनी रेलेवेंस। इसे ये तो प्रूव नहीं हो जाता कि ये हमारी प्रज्ञा भाभी है। ये तो कुछ भी बोल सकते हैं, कैसे ही पता लगाकर बोल सकती है ये सब कुछ। तो सही कह रही। हाँ, दुनिया की हर दादी एक सा ही आशीर्वाद देती है, अब किस गाने पे कौन सा डांस हुआ था, पंडित जी का नाम क्या है, ये सब बातें पता लगाना कौन सी बड़ी बात है। दरअसल बात ये है कि ये पहले हमें बेवकूफ बना रही थी और अब आप लोगों को बना रही। मेरी मानिए तो आप लोग इसकी बातें मत सुनिए। देखिए, आप हमें मत बताइए कि हमें किसकी बात सुननी है और किसकी नहीं सुननी है। अरे, इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी आप उसकी आइडेंटिटी पे शक कर रहे हैं और ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो प्रज्ञा है। आप हमें ना ही बताइए कि हमें किसकी बात सुननी है और किसकी नहीं सुननी है, प्लीज। देखिए मैम, आप लोग समझ नहीं रही, ये एक नंबर की झूठी और फ्रॉड है, प्लान बनाकर आई है। इससे पहले भी प्लान बनाकर यहाँ पर आई थी, पहले भी इसका मोटिव था यहाँ पर आना, हमारी इस प्रॉपर्टी को हड़पना, भाई के पैसे को हड़पना, और अब ये आप लोगों को बेवकूफ बनाकर यहाँ पर लेकर आई है, आप लोगों के सामने तमाशा कर रही है ताकि आप लोग भी इसके प्लान में यहाँ पर इसकी मदद करें, दैट इज ऑल। अच्छा, तो अब आपका कहने का मतलब ये है, ये हमारी सर्टिफिकेट, ये एल्बम्स, ये फोटोज, ये सब झूठ है? आप समझ नहीं रही है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये सब कुछ झूठ है, ये सब कुछ तो एकदम सही है, बल्कि मेरे भाई की शादी, ये जो भी आप देख रहे हैं ना, उसी लड़की से हुई है, उसका नाम प्रज्ञा था, लेकिन ये लड़की जो बोल रही है ना, ये वो नहीं है जो ये बोल रही है कि वो है, यानी कि ये प्रज्ञा नहीं, ये मुन्नी है, मुन्नी, एक नंबर की फ्रॉड, सड़क पर तमाशा करने वाली लड़की मुन्नी, मेरी भाभी प्रज्ञा नहीं। एटलीस्ट हमें ये कुछ तो दिखा रही है, कुछ तो प्रूफ दे रही है कि ये प्रज्ञा है,
तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये प्रज्ञा नहीं है, कोई और है? हाँ हाँ, मेरे पास भी इसके कुछ आईडी कार्ड्स, कुछ पेपर कटिंग वगैरह है, जिससे साबित हो जाता है कि कोई और नहीं बल्कि सड़क पर तमाशा करने वाली मुन्नी है। लेकिन हम ये कैसे मान लें कि ये लड़की प्रज्ञा नहीं है, कोई गुड्डी है, कोई मुन्नी है? यू नो व्हाट, मुझे इसी से बात करने दीजिए। देखो मुन्नी, तुमने पहले भी कोशिश की थी इस घर में आकर सबको बेवकूफ बनाने की, लेकिन मैंने तुम्हारे इरादों को कामयाब होने नहीं दिया। बेहतर होगा अगर तुम यहाँ पर सबको बता दो कि तुम किस इरादे से इस घर में आई हो। यहाँ पर पैसे हड़पने आई हो ना, सीधे सीधे मान जाओ वरना मैं तुम्हें। हेलो, तुम ना हमारे सामने एक अबला नारी को धमका नहीं सकती, समझी? ये मेरे भाई को, मेरी फैमिली को यहाँ पर एक्सप्लॉइट कर सकती है, और मैं कुछ ना बोलूं? बोलूंगी मैं। आप लोग भी सुनिए कि एक नंबर की फ्रॉड है, चीटर है। ऐसी ऐसी लड़कियों को तो ना सोसाइटी में नहीं रहने देना चाहिए, तभी इस घर से बाहर निकाल दिया था, बाहर भी कहीं नहीं रहने देना चाहिए। अरे लानत है ऐसी औरतों के ऊपर। आप जानती हैं, दो पैसों के लिए ये सड़क पर तमाशे करती है, अपने बच्चों को वहां मरता हुआ छोड़ाई है, और यहां पर ये पैसे हड़पने के लिए इस घर में आ गई है। अरे धिक्कार है ऐसी औरतों पर। गिरी हुई ये नहीं है, गिरी हुई तुम हो। अरे औरत के नाम पे धब्बा हो तुम, धब्बा। अपने भाई के मन में अपनी भाभी के खिलाफ जहर भर रही हो। शादी हो गई क्या तुम्हारी? ओ मिस आलिया मेहरा, अब ये केस पूरी तरह से साफ है। वो तुम ही हो जो चाले चल रही हो, प्रज्ञा नहीं। तुम ही हो जो अपने भाई के मन में जहर भर रही हो ताकि उसकी प्रॉपर्टी हड़प कर सको। ये चाल प्रज्ञा की नहीं, तुम्हारी ही है। हाँ इंद्राणी जी, अब ये सारा गेम ना इसका मुझे समझ में आ गया है। अरे इसने तो अपना घर बसाया नहीं, शादी की नहीं, आके बैठ गई भाई के घर में, और जब बहू घर में आ गई, भाभी घर में आ गई इसकी, तो इसको बर्दाश्त कहाँ हुआ? क्योंकि इसको लगा कि घर का सारा राज उसके हाथ में चला गया, इसलिए अपने भाई के कान भरने शुरू कर दिए अपने भाभी के खिलाफ, ताकि भाई गुस्से में आके अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल दे और इस घर पे इसका राज चले। क्यों, सच कह रही हूँ मैं? बंद करिए अपनी ये बकवास। You have no right to speak about me. साची बात छे, ये सारी आग ना आप ही की लगाई छे। वैसे एक बात बताना, शादी कभी हुई नहीं या फिर शादी के बाद पति को छोड़कर आ गई? वो बेचारा तो गरीब होगा, भाई के जितना अमीर तो होगा नहीं, वहां कहां है शाराम की जिंदगी? तो वहां से छोड़ के आ गई वापस अपने भाई का घर बर्बाद करने के लिए और अपनी जिंदगी अच्छे से आराम से काटने के लिए। आहो जी, और नंदों का तो काम यही होता है, इनसे बर्दाश्त थोड़ी ना होता है कि किसी के घर की बेटी आके अपने घर की बेटी बन जाए। अरे ये तो पूरी टीवी सीरियल की विलन सी लगती है, डेली सोप की वेब। चुड़ैल, माइंड योर टंग। हमारी टंग छोड़ और तुम्हारी चला। हाँ, और जो बोला है ना उसका जवाब दे। मम्मी जी, आलिया की शक्ल देखो जरा। अरे हवाइयां उड़ रही है चेहरे पर, 12 बज गए। पहली बार मैंने उसको इस हालत में देखा है, इन लोगों ने तो उसकी बैंड ही बचा दी। मैं तो सोच रही हूँ क्यों ना मैं भी कोई एनजीओ ज्वाइन कर लूं, इसी तरह का कुछ। अरे चुप कर, ये तो तुझे भी ना ये लोग अपने लपेटे में ले लेंगे। अरे जवाब दे ना, तेरी शादी हुई कभी? अरे तूने कभी शादी करने की सोची? ऐसी लड़कियों की शादी नहीं होती, और इसे तो शादी का मतलब ही नहीं पता। अरे देखने से ही लगता है कि ये कुंवारी है। ऐसी लड़कियों को पति नहीं, पैसा चाहिए होता है, पैसा। और इसके भाई के पास तो बहुत पैसा है, इसलिए ये ऐशो आराम छोड़ के जाना ही नहीं चाहती। और लगा होगा कि भाई कहीं पैसा बीवी के नाम ना कर दे, तो निकलवा दिया उसको घर से बाहर। Shut up! आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाने की? Who are you? समझती क्या है अपने आप को? जो काम करने आई है वो करिए, वरना मैं आपको। तो क्या कर लोगी? अरे हम यहाँ पे अपना काम करने आए हैं, वो करके जाएंगे, और तुम हमारे रास्ते में पत्थर फेंक रही हो। मैं आपके रास्ते में पत्थर नहीं फेंक रही, मैं आप लोगों का रास्ता साफ कर रही हूँ। आप लोगों को इतनी भी समझ नहीं है, इतनी बड़ी संस्था चलाती है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि ये लड़की एक नंबर की फ्रॉड है? ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रज्ञा भाभी और भाई की शादी से रिलेटेड, इसकी नहीं, क्योंकि ये मुन्नी है, मुन्नी, प्रज्ञा नहीं। आपको समझ में नहीं आती तीसरी बात? अरे ये लड़की फ्रॉड नहीं है। अरे इतने सारे प्रूफ दिखा रही है, सबूत ला रही है, तुम क्या कर रही हो? अच्छा ये बताओ तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये लड़की फ्रॉड है? अरे सची तो बता रही हूँ आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है। ये जो आपको बता रही है, आप सुनती जा रही है, आपको वही समझ में आ रहा है? आप लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि ये प्रज्ञा नहीं, मुन्नी है, मेरी भाई की वाइफ, और मेरी भाभी प्रज्ञा नहीं है। ओह, तो मैं डॉली नहीं, दीपिका पादुकोण है, मान लेगी क्या? अरे नाम बदलने से ना पहचान नहीं बदल जाती। You know what, enough. अगर आप कुछ भी बोला ना
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कर लेगी तू? और मैं सिकनी हूँ सिकनी, वो भी बठिंडे की, तेरा ना सारे पांडे खड़का दूंगी, समझ रही तू? How dare you? तेर केर छोड़, और अब एक भी वर्ड बोला ना तो हम सारी औरतें मिलके ना तुझे इतनी गालियां देंगे ना कि तेरे कान के पर्दे पड़ जाएंगे। मैं कोई झगड़ा करना नहीं चाहती हूँ यहाँ पर, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? आप इतनी रिप्यूटेड फीमेल्स हैं, आप इतने इतने बड़े एनजीओ से आई हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये सब झूठ है, ये सारी चीजें झूठ है, ये लड़की झूठी है एक नंबर की। अरे कभी तुम बोलती हो झूठी है, कभी तुम बोलती हो सच्ची है, तुम कह क्या रही हो, तुम जा क्या रही हो? देखिए आप समझ नहीं रहे, ये पेपर सच्चे हैं, ये फीमेल ये लड़की झूठी है। मेरे भाई ने प्रज्ञा से शादी की थी, इससे नहीं। आप क्यों नहीं समझ रही हैं? अरे इसकी शक्ल देख, एकदम प्रज्ञा से मिलती है। Then how you can say that she is not प्रज्ञा? देखो, बोल देने से कुछ नहीं होता, बोल देने से पहचान नहीं बदल जाती, समझे तुम? अब मैं एक शॉर्ट में बता दूं, ये बहन ने सारा प्रूफ दिया कि वो प्रज्ञा है। आप लोग नहीं मानते कि ये प्रज्ञा है तो साबित कीजिए, शोर मत मचाइए। तब तक आपको ये मानना पड़ेगा कि ये प्रज्ञा है और इसी को घर में रखना पड़ेगा। ये प्रज्ञा है, यही प्रज्ञा है, मानना पड़ेगा आपको और इसको अपने घर में रखना पड़ेगा। ये मेरी प्रज्ञा नहीं है, ये झूठी है, ये सारे सबूत झूठे। बस अब मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता। मैंने सारे सबूत दिखा दिए, ये हमारे प्यार की हमारी शादी की निशानी की कदर नहीं करते, मैं कैसे सह सकती हूँ ये सब? अब तो मुझसे सहन ही नहीं हो रहा। आप लोग बहुत गंदा और गलत खेल खेल रहे हैं इसके साथ। ये बिचारी ने सारे सबूत लाके दिए फिर भी आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं कि ये इस घर की बहू है, अभिषेक मेहरा की बीवी है। अरे कैसे कर सकते हैं आप लोग ऐसा? आप लोगों को इस पे तरस नहीं आता? अरे इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है मिस्टर रवि। अब तो ना मुझे प्रज्ञा पे तरस आ रहा है। अरे क्यों रहना चाहती हो तुम इस घर में? तुम एक इंडिपेंडेंट लड़की हो, अरे चली क्यों नहीं जाती इनको इनके हाल पर छोड़ के? नहीं, मैं कैसे ये घर छोड़कर जा सकती हूँ? ये घर मेरा है, मैं यही रहना चाहती हूँ। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? ये मेरी दादी सास, मैं इनको कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? और ये मेरे पति, जिन्होंने मुझे इस घर में आने की रहने की वजह दी, इनकी वजह से मैंने शादी की, इन्हें अपना बनाया, इस पूरे परिवार को अपना बनाया। अरे बंद करो अपना ये ड्रामा। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलती तो मुट्ठी डाल देना चाहिए। अब मुझे पता है क्या करना है। अब मैं पुलिस को फोन करूंगा, उन लोगों को बोलूंगा ये कितनी बड़ी ढोंगी है, वही तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकालेगी, और इसमें मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है। क्यों? हम सब साथ में। अभी क्या? अभी तुम पुलिस बुलाओ, हम सब साथ में। अब देखना, पुलिस धक्के मार के तुम्हें इस घर से निकालेगी। जो काम मैंने कल नहीं किया ना, वो आज पुलिस करेगी। अरे बस कीजिए मिस्टर अभी, इतनी मेहनत मत कीजिए। पुलिस बुलानी है आपको, वो काम हम पहले ही कर चुके हैं। अरे पुलिस रास्ते में है, बस अभी आती होगी। हमने ने
पुलिस को पहले ही फोन कर दिया है, क्योंकि हमें तो दिख चुका था कि आप लोग ना टेढ़ी जलेबी और टेढ़ी सीधे से तो मानेंगे नहीं। अब ना पुलिस आएगी ना और सबको सबको डंडे दे देके ना सुधार देगी। बाप रे, मम्मी जी ये लोग तो बहुत तेज निकली, पूरी प्लानिंग पहले से ही करके आई है कि क्या क्या करना है इन्हें। पूरी तरह बैंड बजाने आई है आज तो हम लोगों की। प्रज्ञा, मुझे लग रहा है कि तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर रही हो ऐसे आदमी के साथ रह के जो तुम्हें प्यार ही नहीं करता। अरे तुम्हारी फैमिली तक तुम्हें प्यार नहीं करती, तुम्हें इस घर में नहीं रहने देना चाहती। ये लोग तुम्हें वापस से हरास करेंगे, वापस से परेशान करेंगे। दीदी मुझे लगता है आप ठीक कह रही हैं, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, ये मेरा घर है, मैं यही रहना चाहती हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी? ये मेरा स्वर्ग है, मेरी जन्नत है, और मैं इनसे इतना प्यार करती हूँ ना कि ये धीरे धीरे मुझसे प्यार करने लगेंगे। प्रज्ञा मेरी मानू, ये सेलिब्रिटी लोग ना एक वाइफ से कभी खुश नहीं होते, इनको तो ना दो दो चाहिए होती है, दो दो। और इन लोगों ने ना तुम्हारी तुम्हारी सौतन को इस घर में ला के रखे, और वो भी बेशरम ना किसे रह रही है। छी! नहीं दीदी, अब जो भी है है तो मेरे पति ना, अब मुझे इन्हीं के साथ रहना है और इनके साथ जीना है, इनके साथ मरना है और इन्हीं के साथ इस। ए, हरी चटनी, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कहा था तुमसे मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं दिखनी। प्लीज प्लीज, क्या निकलो घर से बाहर, आउट, शट आउट। बस कीजिए मिश्रा भाई, बस कीजिए, बहुत हो गया आपका नाटक। ये घर इसका भी उतना है जितना आपका है, और इसको भी इस घर में रहने का उतना ही हक है जितना आपको है, समझे आप? अरे कब से देख रही हूँ आपका नाटक, माना आपको ये पसंद नहीं है, आप इसको प्यार नहीं करते, पर उसके लिए कोर्ट जाइए, लीगल जाइए, अरे तलाक दीजिए उसको। तब तक ये यहीं रहेगी और आप इसको निकाल नहीं सकते, और अगर आपने कोशिश भी की ना तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं मिश्रा भी। अरे आपको जो करना है करो, लेकिन मैं इसे यहाँ पर रहने नहीं देने वाला, समझी? मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, निकाल करूंगा इस घर से। देखिए मिस्टर अभी, आप हम लोगों के साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। अरे मेरा घर है, मैं जैसे चाहूँ बिहेव करूँ। मैं डिसाइड करूंगा इस छत के नीचे कौन रहेगा और कौन नहीं, और तुम्हें जो करना है ना तुम जाकर कर लो। मुझे बदनाम करना चाहती हो कर लो, आई डोंट केयर, लेकिन मैं इसे इस घर में नहीं रहने दूंगा। वैसे नहीं मानोगी? देखिए मिस्टर अभी, आप जो कर रहे हैं सब गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये आपको मालूम पड़ सकता है, ये आप ऐसा नहीं कर सकते। अरे आप ऐसा नहीं कर सकते, अरे आप ऐसा नहीं कर सकते। आप आओ, ये तो पुलिस आ गई। इसने तो सचमुच पुलिस बुला ली, अब क्या होगा? वो तो ठंड रख, अपना अभी है ना सब संभाल लेगा। इंस्पेक्टर साहब आप आ गए, देखिए ये मेरे पति मुझे मुझे अपने ही घर से बाहर निकाल रहे हैं, देखिए हाथ हाथ पकड़ के मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ? इंस्पेक्टर ये लड़की जो है ना, ये एक भैरू पे ढोंगी है, ये इन एनजीओ के लेडीज के साथ जबरदस्ती मेरे घर में घुस आई, मैं इन्हें बाहर का रास्ता दिखा रहा था। चलो टाइम टू आउट। हाथ छोड़िए उसका। मारा नाम इंस्पेक्टर पंकुरी चौटाला से, पूरे मुंबई की लेडीजों की प्रोटेक्शन इंचार्ज हूँ। तो मिस्टर अभिषेक प्रेम मेहरा, आपने जो कुछ भी कहना सना है वो बाद में कहना, फिलहाल तो लड़की का हाथ छोड़ो।
लेकिन इंस्पेक्टर ये, अरे लेकिन वेकिन किंतु परंतु सब बाद में, पहले हाथ छोड़ो उसका। मिस्टर अभी से आप इस लड़की ने हाथ नहीं लगा सकते हो, और आपने अगर उसे जरा भी हर्ट करने की कोशिश की ना, तो मन्ने आपको अभी के अभी अरेस्ट करना पड़ेगा, और वो भी पूरी फैमिली के साथ। इस लड़की के साथ हमारा पूरा प्रोटेक्शन है। इस लड़की को इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, ये यहीं रहेगी। और इस घर से आप तो क्या, आपकी दद्दी भी नहीं निकल सकती। ये इसी घर में, इसी छत के नीचे रहेगी जब तक कि आपका इससे डिवोर्स नहीं हो जाता। आई बात समझ में? हाथ छोड़ेंगे या थाने चले?